अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 के साथ हाजिर हैं। 2019 को रीजनिंग क्वेश्चन आंसर्स। वॉइस को नर्वस कोऑर्डिनेशन कॉल्ड द क्विकेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन विद इन द बॉडी। जिस्म के अंदर, इंसानी जिस्म के अंदर या जानवरों के जिस्म के अंदर नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है वो इतना तेज तरीका का तरसील का तरीकाकार क्यों है, इसके इसका जवाब मांगा गया है। रीज़न हम पहले दे देते हैं। ये दो तरीक़े से मैंने बयान किया है, आपको जो आसान लगे उसको इस्तेमाल कीजिए। दोनों को लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसमें कोई तब्दीली करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जो है ऐसा ही का ऐसा ही लिखें। नर्वस कोऑर्डिनेशन इज़ क्विकेस्ट फास्टेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन बिकॉज इट इज़ एन एडवांस टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन इन विच न्यूरॉन्स जनरेट इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स। इंटरकनेक्टेड न्यूरॉन्स, यहाँ पर इंटरकनेक्टेड लिख दीजिएगा, इन विच इंटरकनेक्टेड न्यूरॉन्स जनरेट इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स। तो हम उर्दू में जब बयान करते हैं अगर, तो इसका रीज़न ये होगा कि नर्वस कोऑर्डिनेशन को बहुत तेज तरीन तरीका तरसील का तरीका समझा जाता है जिस्म के अंदर, क्योंकि ये एक एडवांस तरीकाकार है रबते का सबसे एडवांस तरीकाकार है, जिसमें आपस में मुंसलिक न्यूरॉन्स इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स, जिनको इम्पल्सिस भी कहते हैं, वो जनरेट करते हैं। ये कंप्लीट आंसर है, रीज़न है इस क्वेश्चन का। लेकिन अगर कोई दूसरे अल्फाज को इस्तेमाल करना चाहे तो और करके लिखा, और का मतलब होता है या ये इस्तेमाल करें या ये इस्तेमाल करें, ठीक है। नर्वस कोऑर्डिनेशन इज़ फास्टेस्ट बिकॉज न्यूरॉन्स आर इंटरकनेक्टेड। बात वही है, ज़रा घुमा घुमा कर, लेकिन जो आसानी से याद हो जाए उसको इस्तेमाल कर लीजिए। नर्वस कोऑर्डिनेशन इज़ फास्टेस्ट बिकॉज न्यूरॉन्स आर इंटरकनेक्टेड एंड दे जनरेट इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स विच आर सो स्पीडी। इसमें ये बात इस तरीके से बयान की गई कि नर्वस कोऑर्डिनेशन तेज तरीन तरसील है, रबते का जरिया है, क्योंकि न्यूरॉन्स जो हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं और ये इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स को जनरेट करते हैं, उनको पैदा करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तार हैं, ठीक है। ये इसका आंसर उर्दू में भी हो गया। अब हम ज़रा एक्सप्लेनेशन की तरफ आ जाते हैं जनाब। तो क्या कह रहा है एक्सप्लेनेशन कि द न्यूरॉन द नर्वस कोऑर्डिनेशन यूजेस इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस टू कलेक्ट प्रोसेस एंड रिस्पॉन्ड टू ऑल इंफॉर्मेशंस थ्रू स्पेशलाइज्ड सेल्स न्यूरॉन्स, ठीक है। दीज न्यूरॉन्स आर इंटरकनेक्टेड विद देयर एक्सॉन्स एंड मेक द कोऑर्डिनेशन फास्टेस्ट। तो एक्सप्लेनेशन में हमारे पास आ जाता है, उर्दू में देखते हैं कि नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है या आसाबी तरसील जो है वो बर्की इम्पल्सिस को इस्तेमाल करती है। किस काम के लिए? बर्की को इस्तेमाल करके तमाम इंफॉर्मेशन, तमाम मालूमात को इकट्ठा करती है, उनको प्रोसेस करती है और उनका जवाब देती है, रेस्पॉन्ड करती है, ठीक है। तो नर्वस कोऑर्डिनेशन बर्की इम्पल्सिस को इस्तेमाल करके तमाम इंफॉर्मेशंस को इकट्ठा करती है, प्रोसेस करती है और रेस्पॉन्स करती है, उसका जवाब देती है, उस पर रद्द अमल जाहिर करती है थ्रू स्पेशलाइज्ड सेल्स, और ये काम वो मखसूस खलियों की मदद से करती है, और ये मखसूस खलियाँ जो हैं वो न्यूरॉन्स कहलाते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, आप भी हाईलाइट कर दीजिएगा थ्रू एनी मीन्स, आपको किसी भी तरीके से। बार बार पेन बदलने में टाइम ज़ाया होता है, डोंट वेस्ट योर टाइम ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। तो आपने क्या करना है कि एक ही पेन को यूज़ करें, एक ब्लैक हो गया, एक ब्लू हो गया, एक हाईलाइटर हो गया, खटाखट काम करते चले जाएँ। तीनों चीज़ें आपके लेफ्ट हैंड में फंसी हुई होनी चाहिए और जल्दी से आप काम कर लें, ठीक है। स्पीड बहुत होनी चाहिए राइटिंग की। तो जो मखसूस खलियात हैं न्यूरॉन्स, उनको इस्तेमाल करके ये काम होता है। ये न्यूरॉन्स आर इंटरकनेक्टेड, ये न्यूरॉन्स जो हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं, आपस में रबते में होते हैं, और ये रबता जो है उनके एग्जॉन्स के ज़रिए होता है, मुंसलिक होते हैं, एक दूसरे से मुंसलिक होते हैं, और ये जो ताल्लुक़ है ये एग्जॉन्स के ज़रिए क्रिएट किया जाता है। सारे एग्जॉन्स एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं,
एंड मेक द कोऑर्डिनेशन फर्स्ट एंड, और यही फैक्ट जो है वो इस किस्म की तरसील को तेज तरीन बनाता है कि एक तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं जिनकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, सो स्पीड ही हैं वो, ठीक है। दूसरा ये कि वो न्यूरॉन्स जो इंटरकनेक्टेड हैं एक्सॉन्स के ज़रिए, उनके थ्रू ये इम्पल्सेस मूव कर जाती हैं और केमिकल कोऑर्डिनेशन के मुकाबले में इलेक्ट्रिकल कोऑर्डिनेशन जो है वो न्यूरोलॉजिकल जो नर्वस कोऑर्डिनेशन वो तेज तरीन कोऑर्डिनेशन समझी जाती है। ए सेंटर के साथ जुड़े रहिए, अगले साल के रीजनिंग क्वेश्चन के साथ दोबारा हाजिर होंगे। सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिए, मसला हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए।